नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हम चल रहे हैं एसएससी नोटिफिकेशन जो आपका आ गया है उस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, वो आपकी भर्ती जो है वो आ चुकी है। और ये भर्ती आपकी 20/8/2022 यानी 20 अगस्त 2022 से लेकर 5 सितंबर 2022 तक इसके फॉर्म जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट हो जाती है वो 5 सितंबर की तारीख तक आपको अपने फॉर्म को भर लेना है। तो 5 तारीख नहीं, आप 3 या 4 तारीख को ही लास्ट डेट समझिए, क्योंकि लास्ट के दिन वेबसाइट का सर्वर कभी-कभी हाई हो जाता है और आप ऐसे में फॉर्म भरने से रुक जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऑफिशियली 3 से 4 तारीख को ही फॉर्म भर देना है, ठीक है। तो ये बाकी की जो डेट्स दी हुई है ये लास्ट डेट पे ऑफलाइन चालान की है और ये सब है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 4/9 तक अपने फॉर्म को फिलअप जरूर से कर दीजिए। अगर आपका इसमें मान लीजिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने में या ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई करेक्शन हो गए हैं, तो उसको भी आप जो करेक्शन है वो 7/9 तक आप इनके करेक्शन को कर सकते हैं। करेक्शन को कैसे करना है या अगर कोई आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो 9870601 नंबर पे आप कॉल करके इससे रिलेटेड जानकारी जो है वो हमसे ले सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जितनी भी स्टेनो से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड वैकेंसीज जो होती है उनकी जानकारी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले और ज्यादा बेटर वे से आपको मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पर एज लिमिट की बात की जा रही है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए, ग्रेड सी की जो भर्ती होती है, ग्रेड सी की भर्ती में 18 से लेकर 30 साल तक के लोग जो है वो भर सकते हैं। मतलब 1/1/2022, यहां पर इन शॉर्ट अपन समझते हैं कि 2 जनवरी 92 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक जो आ रहा है, इसके अंदर जो पैदा हुआ है वो सभी लोग ग्रेड सी का फॉर्म भर सकते हैं। और 2 जनवरी 95 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक के बीच में जो भी पैदा हुआ है वो ग्रेड डी का एग्जाम भर सकता है। लेकिन ये है बात सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों की। अगर यहीं पे आप एससी एसटी से रिलेटेड है तो आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिल जाता है। 5 ईयर रिलैक्सेशन अगर मिलता है तो यहां पर 87 से का आपकी हो जाती है और यहां पर आपकी 90 बॉर्न अगर है आप, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने पर आप अगर 89 में भी बर्थ हुआ है आपका, 2 जनवरी 89 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आप, और ओबीसी कैटेगरी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो फिजिकल प्रॉब्लम में है ऐसे लोग, 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो रिजर्व कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं, और अगर फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी में है तो बेटा वो 13 साल तक, और आपका एसटी एससी में है तो 15 साल का रिलैक्सेशन आपको ऐसे में मिल जाता है। तो डिफेंस में और कई तरह के यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इस वीडियो को पोस्ट करके आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं कि आप डिफेंस के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, या किस से रिलेटेड, जैसे विधवा डिवोर्सी वुमेन है तो उसको कितनी एज जो है वो इसमें रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये कुछ पॉइंट है जिसमें ज्यादातर कैटेगरी के लोग जो है वो फॉर्म भर पा रहे हैं। आगे चलते हैं, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो 5/9/2022 यानी 5 सितंबर 2022 तक आपकी जो 12th की डिग्री है इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th मांगी जा रही है। कोई कंप्यूटर एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, कोई स्टेनो सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। ओनली और ओनली यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 12th की डिग्री चाहिए दोस्तों।
अगर आपने 5/9/2022 तक 12th कंप्लीट कर ली है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी होगी कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर चुके होने चाहिए 5/9, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन आ जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, हमें इस पे कितना पे करना है? तो यहां पर हमें पे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 100 रुपीज आपको पे करने हैं अगर आप कैटेगरी से हैं जनरल, ठीक है, जनरल से हैं या फिर आप हैं ओबीसी कैटेगरी से। अगर दोस्तों आप वुमन हैं, अगर गर्ल्स इस फॉर्म को भर रही हैं, लेडीज या गर्ल्स या वुमन, तो वुमन कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर फ्री रहेंगे। और साथ में एससी जो शेड्यूल कास्ट है, जो एसटी कास्ट है, इसके सभी लोग, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं, ऐसे सभी लोगों की कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के जो मेल हैं दोस्तों, उन्हीं की यहाँ पर फॉर्म फीस लगेगी और बाकी लोगों की यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट अपन चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होता है और 200 नंबर में इसमें पेपर में आपका इसी ग्रेड सी एक अलग जॉब हो गई, ग्रेड डी एक अलग जॉब हो गई, दोनों के ग्रेड पे भी अलग है। और ग्रेड सी और ग्रेड डी का अगर आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट समझना है तो मैं आपका या जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेड सी और ग्रेड डी को काफी विस्तार से समझेंगे कि हम ग्रेड सी के क्या क्या फायदे होते हैं, ग्रेड डी के क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरह की जॉब होती है ये। हालांकि एग्जाम दोनों का एक है दोस्तों, लेकिन इसमें और जो प्री एग्जाम होता है वो भी दोनों का एक होता है, लेकिन स्टेनो यहाँ पर दोनों की अलग अलग हो जाती है। ग्रेड सी में 100 WPM की स्पीड मांगी जाती है स्टेनो में, जबकि ग्रेड डी में 80 WPM की स्पीड मांगी जाती है। चर्चा विस्तार से करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं ग्रेड सी और ग्रेड डी को काफी डीप तरीके से आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है। तो अभी अपन ये समझ लेते हैं कि ग्रेड सी की कट ऑफ दोस्तों वो जाती है ज्यादा। मान लीजिए ग्रेड सी की कट ऑफ जाती है 140, तो वहीं पे ग्रेड डी की कट ऑफ आपको देखने को मिल जाती है 120। ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट 150 नंबर अचीव करता है तो वो दोनों ही एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है, मतलब ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों ही एग्जाम को दे सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए यहां पर 135 नंबर अटेम्प्ट कर पाता है और वो 140 से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो ऐसे में ग्रेड सी का एग्जाम नहीं दे पाता है, सिर्फ ग्रेड डी के लिए ही वो एलिजिबल होता है। तो यहां पर दोस्तों 200 नंबर का पेपर हो जाता है और ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पे मेरिट बेस बनता है, मेरिट आपकी इसी पेपर से बनेगी। यहां पर शॉर्ट हैंड का जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं 200 नंबर का जो आपका पेपर होगा, यहां आपकी जितनी अच्छी मेरिट बनती है उतना ही आपको आगे जाके फायदा होगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि इसके डीप जो इसका सिलेबस है उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने आपको सिर्फ नोटिफिकेशन के तौर पे कि आपका जो फॉर्म है उसको फिलअप करने के लिए क्या क्या नीड्स है, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसके बारे में ये वीडियो बनाया है। क्योंकि एक ही वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो हम उसको स्किप करने लगते हैं और ऐसे टाइम पे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको ये देखने वाली बात होगी, तो दोस्तों इस पेपर में आपके आने वाले हैं रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और इसके मार्क्स भी जो होंगे वो एक जो है एक नंबर का मार्क्स होगा। जनरल अवेयरनेस में ये जीके जीएस और करंट अवेयरनेस का पार्ट है, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही इसमें मार्क्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के ये मार्क्स है, तो इस तरीके से 200 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसके लिए 2 आवर्स का, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें आपको 200 क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों आपके साथ में चलेगी, तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी
मतलब यहां पर ये है कि अगर आपके चार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन को भी गलत कर दिया जाएगा, अर्थात चार क्वेश्चन गलत होने पर आपके पांच क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये होता है आपका नेगेटिव मार्किंग का बेस। दूसरी चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों कि ये पेपर जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। मतलब पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह से ओएमआर शीटों पे पेपर हुआ करते थे, तो ये ओएमआर शीट वाला पेपर नहीं है। यहां पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। तो इसके लिए मॉक टेस्ट भी इस पे डाले जाते हैं, और कहां से आपको बेस्ट मॉक टेस्ट लेने हैं वो हम आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताएंगे। आपकी जो भी पूरी तैयारी है, अब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपकी शुरू से लेकर पूरी लास्ट तक की तैयारी कराने का जो जिम्मा है वो सरस्वती स्टारो क्लासेस का है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। पुराने प्रीवियस जो पेपर होते हैं उनके एनालिसिस पे भी हम लोग अब बात करेंगे कि पिछले 2 साल के पेपरों में ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको जिनमें से ज्यादा हमें क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि दोस्तों तैयारी अगर आप ढंग से करते हैं तो ही आप पास हो सकते हैं, सिर्फ पढ़ने पढ़ने से आप कभी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हमारा, अब मैं मेरी पूरी सीरीज इस पे एसएससी पे आएगी, और हम उसमें एक एक पेपर पे पिछले 2 पेपर्स पे एनालिसिस करेंगे, आपके लास्ट पेपर पे एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस बार क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसको पे आपको विशेष ध्यान देना है, जो आपकी मेरिट में ग्रेड सी और ग्रेड डी को आपको क्लियर कराने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्किल टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्किल टेस्ट 2 तरीके से यहां पर हो पा रहा है कि पहले यहां पर आपको एक ऑडियो डिक्टेशन बोली जाती है और उसको यहां पर लिखना पड़ता है, ठीक है। स्टेनो की लैंग्वेज में यहां लिखा जाता है, और जो आपने स्टेनो की लैंग्वेज में यहां पर लिखा है उसको देखकर, जैसे इसी कॉपी को जब यहां पर रख के उसको ये देखते हैं और इसी को ये लोग टाइप करते हैं। तो ये बेसिकली जो काम है कि यहां स्टेनो लिखी हुई है और यहां पर आप इसको टाइप कर रहे हैं इंग्लिश या हिंदी में। अगर आपने इंग्लिश चूज की है तो आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी है, और हिंदी चूज की है तो आपको हिंदी टाइपिंग यहां पर करनी होती है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है, इंग्लिश का जो पेपर है या हिंदी का पेपर है, ग्रेड डी में इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि 80 WPM की ऑडियो डिक्टेशन आती है यहां पर, और ये 10 मिनट का पेपर होता है। मतलब 800 शब्द आपके 10 मिनट के अंदर बोले जाते हैं, ठीक है। और जबकि ग्रेड सी जो होता है वो 100 WPM का पेपर होता है, और ये 10 मिनट का पेपर होता है। 100 WPM मतलब 100 शब्द प्रति मिनट बोले जाते हैं ग्रेड सी के अंदर। ये चाहे हिंदी की बात करूं या फिर इंग्लिश की बात करूं, दोनों में यही है। और यहां पर भी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में स्पीड 100 WPM मांगी जाती है, जो कि 10 मिनट तक ये पेपर चलता है। मतलब ये कि इसमें 1000 वर्ड मांगे जाते हैं और ये 10 मिनट के अंदर आपको इसको पूरे लिखने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर ये तो रहा स्टेनो का काम। अब यहां पर टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है इसको टाइप करने के लिए। तो अगर आप ग्रेड डी इंग्लिश का जो ट्रांसक्राइब, ये जो आपने लिखा है, इसको आपको कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए मिलेंगे 50 मिनट का टाइम, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप हिंदी से हैं तो आपको मिलते हैं 65 मिनट का टाइम, कि आपको 800 शब्दों को हिंदी में टाइप करने के लिए 65 मिनट मिलेंगे, जबकि इंग्लिश के 800 शब्दों को टाइप करने के लिए आपको यहां पर 50 मिनट मिलते हैं। अब यहां आ जाते हैं हम 100 WPM जो ग्रेड सी है उसके लिए, जहां पर 1000 शब्दों को टाइप करने के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट, और अगर आप हिंदी से हैं तो 1000 वर्डों को टाइप करने के लिए मिलेंगे 55 मिनट। तो यहां पर यह भी देखने वाली बात है कि जो 800 वर्ड है उसके लिए मिल रहे हैं मान लीजिए 65 मिनट हिंदी में, जबकि 1000 वर्डों को हिंदी में टाइप करने के लिए मिल रहे हैं ओनली 55 मिनट। यहां पर आपके 200 वर्ड भी ऐड हो गए और 10 मिनट भी कम हो गई। तो ये है ग्रेड सी के अंदर आपकी जो डिक्टेशन का जो पार्ट है वो भी आपको काफी तेजी से करना होता है। तो यहां पर स्किल जो स्टेनो स्किल है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको आपका जो स्किल टेस्ट होता है वो देना होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर आपकी दो चीजें होती है कि पहली चीज स्टेनो एक्चुअली क्या है, किस तरह से लिखी जाती है, तो वहां पर ऑल नो अबाउट स्टेनोग्राफी करके हमने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको प्रॉपर नॉलेज होगा कि पेपर किस तरह होता है। पूरा एनिमेशन वीडियो है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी होता है कि मैं हिंदी लूं या इंग्लिश लूं, तो इसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो दिया हुआ है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर आप जरूर देखिए कि आपको हिंदी चूज करनी चाहिए या फिर आपको इंग्लिश चूज करनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग टाइपिंग बेस को समझ के इंग्लिश या हिंदी ले लेते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करिए। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करना कि आपके लिए क्या बेस्ट है, हिंदी या इंग्लिश। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इस फॉर्म के की जो स्ट्रेटजी है उसको आप यहां से बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्टेनोग्राफी की जो तैयारी है वो सारस्वत स्टेनो क्लासेस जो है उसकी तरफ से हो रही है, स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं। आप हमारे यहाँ पर जो प्रॉपर स्टेनोग्राफी का जो पैटर्न होता है, जो पूरा प्रॉपर लैब जो होती है, जहां पर आप एग्जामिनेशन लैब होती है, सेम एनवायरनमेंट आपको हमारे यहाँ पर मिलेगा। इसकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर आपकी कराई जा रही है। तो आपको अगर आपने अब तक स्टेनोग्राफी करना नहीं चालू किया है या आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों इसमें ज्यादा समय आप खराब नहीं करें और जल्दी से जल्दी आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन करें, ताकि आप अपना सुनहरा भविष्य जो है उसको आप बना सकें। यहां पर आप हमें इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमें 9887060188 पे कॉल कर सकते हैं। स्पेशल बैच एसएससी और हाई कोर्ट स्टेनो एंड टाइपिंग के चलाए जा रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के मोड आपको मिल जाते हैं। साथ ही अगर आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए दोस्तों स्टेनो एंड टाइपिंग से रिलेटेड, तो भारत सरकार की ओर से एनएचडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से सारस्वत स्टेनो क्लासेस जो इसकी मास्टर फ्रेंचाइजी हम लोगों ने ली हुई है, तो आपको दोस्तों अगर सर्टिफिकेट की भी नीड है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टेनो एंड टाइपिंग में किसी भी तरह की कोई भी समस्या, फॉर्म भरने में, तैयारी करने में या किसी भी तरह की कोई जरूरत होती है, तो आप सारस्वत सर से 9887060188 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको एसएससी के सिलेबस को, उसके एनालिसिस पर हम काफी विस्तार से जो है वो चर्चा करेंगे। साथ ही ग्रेड सी और ग्रेड डी के अंदर क्या डिफरेंशिएट है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर भी मैं आपसे जल्दी चर्चा करूंगा। थैंक यू।